भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के। हेलो, आई लव यू। क्या ब्यूटी पार्लर से बोल रहा हूँ मैम? मैम आई लव यू ब्यूटी पार्लर से बोल रहा हूँ मैम। आपका रेफरेंस दिया था मुझे नीना जी ने। मैम हमारे यहाँ स्पा को लेकर काफी रेट डाउन है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं मेडिक्योर पेडिक्योर, तो आप आना चाहते हैं मैम? अच्छा, नहीं जी मेरी बात हुई थी। आई लव यू पार्लर के रेट्स हमेशा मैम, पार्लर के रेट हमेशा डिस्काउंटेड रहे, आपको और ज्यादा डिस्काउंट देंगे। नहीं मैम, पार्लर का नाम है आई लव, सॉरी मैम हमारे हाथ में तो है नहीं। आप आएंगे मैम, कब आएंगे? हाँ ठीक है, मैं बनाती हूँ प्लान, मैं कल परसों का आती हूँ, शाम को ऑफिस के बाद ही कर आ पाऊंगी। परसों? तो परसों मुझे बता दिए, परसों जी, परसों परसों। आई लव यू पार्लर परसों बंद रहेगा मैम, पार्लर बंद रहेगा, आई लव यू पार्लर बंद रहेगा मैम। आप मंडे आइए, मुझे बता दीजिए टाइम क्या है। बार बार मुझे आई लव यू मत बोलिए प्लीज। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे, कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे, जो हमको आजमाएंगे, बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। अनफॉर्चुनेटली इनकी वाइफ का आज मूड खराब है, और मैं कह रहा हूँ बहुत देर से कि बात तो करके देखो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता यार शुभम जब कोई नाराज होता है, फिर शूट में मन नहीं लगता। एक बार नंबर डायल करके देखो, नहीं मानेगी वो। तुषार मैं से कह रहा हूँ कि एक बार करके देखो, करके देखो, हो सकता है मान जाए, और मैं ही बात करके देख लूंगा, नंबर मिलाओ करके तो देखो बात। हेलो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, और ये कहाँ से बोल रहे हो, कौन सा नंबर है ये? तुम नाराज हो अभी भी? हाँ मतलब मैं ही होती हूँ ना जो बात खींचती हूँ, मेरे ख्याल से आई एम सॉरी मैं बीच में आ गया, आपको बात खत्म कर देनी चाहिए, आई थिंक आपको खत्म कर देनी चाहिए प्लीज। आप कौन है? मैं मैनेजर हूँ। कहाँ के मैनेजर है भैया, बीच में? ओयो रूम का। फोन रख दो ना। हेलो, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा,
ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल। हेलो भाई, तू जो भी है मेरी बात सुनेगा? कौन बोल रहा भाई? भाई ये भी बता दूंगा, अगर तू मेरा भाई है ना, मेरे दिल की बात सुन ले प्लीज। भाई सुन ले, तेरे भाई ने एक लड़की से मोहब्बत कर ली। अच्छा। दिल से प्यार करता हूँ, जान है वो मेरी। अच्छा। प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आ गई है? कहाँ? उसके दो भाई हैं, उसके दो भाइयों ने मुझसे कहा कि इसका पीछा छोड़ दे वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे दिल से एक आवाज आई भाई, और मेरे दिल ने कहा कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, नहीं कभी सोचते नहीं कि ये सीरियसली मार सकते हैं। यार मेरे को बहुत मारा है भाई, एक तो रॉड पड़ी है और मेरे टांगों में फ्रैक्चर आया है। सोचना चाहिए प्यार करने वाले, सोचना चाहिए। यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं? हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं, हाय, आपको एक एक्टर की रिक्वायरमेंट थी? हाँ, मैंने एक्चुअली पोस्टर देखा था दीवार पर लगा हुआ था, तो आई थॉट कि मैं अप्लाई कर दूं। हाँ, अभी कितना एक्सपीरियंस है आपको एक्टिंग का? मुझे 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा, और मेरा काम काफ़ी पसंद भी किया है, जितने भी लोगों ने देखा है कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, इनफैक्ट तारीफ ही करी है उन्होंने। कहाँ कहाँ काम करा है फिर आपने? मैंने 2 MNCs में काम किया है। MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में? हाँ, मैं वहाँ पर पिछले 14-15 साल से काम करने की एक्टिंग कर रहा हूँ और लोग काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत मन लगा के काम कर रहा हूँ। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना बस। सातवीं फेल, मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, सातवीं तक भी तू पहुंची कैसे? सातवीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने सातवीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर। गाइस, 7 फरवरी से लफ्लू फैल रहा है, कृपया अपनी अपनी मुर्गियों का ध्यान रखें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? मान्या। मान्या जी, मैं हेल्थ टीम से बोल रहा हूँ, वो आपके घर आना था हमें टीका लगाने के लिए बच्चों के। बच्चे मेरे? हाँ, मैं कल आया था आपके मोहल्ले में, आपके घर के बच्चे का टीका रह गया था। मेरे घर पे कोई बच्चा है नहीं। लेकिन बच्चा नहीं आपके घर? नहीं। हमें तो आवाज आ रही थी घर में से। मेरे घर से आ रही थी बच्चे की आवाज? हाँ, वो कह रहा था तुम मिले तो तौल तो नहीं तलते, तलो दोनों हाथ में थो जाते हैं, थाना भी था लिया। अबे तो तुझे क्या है, अपने मुंह से बोल रही थी, अपने बोल रही थी, तुझे क्या है, तेरे बाप का गुस्सा रहे क्या? हेलो, क्या हाल चाल है? या होज दिस? अरे छोड़ना, होज दिस, काम की बात सुन भाई, कैसा है?
भाई बोल कौन रहा है? अरे छोड़ना, बोल कौन रहा है, बोल क्या रहा है ये सुन। मुझे तुझे बहुत काम की बात बतानी है। तीन लड़कियां बताऊंगा, तीन लड़कियों से लाइफ में, तीन तरह की लड़कियों से कभी प्यार नहीं, कभी अफेयर नहीं, याद रखियो हमेशा। ओहो। नंबर एक, जो एज में तेरी एज से छोटी हो। अच्छा। नंबर दो, जो एज में तेरी एज से बड़ी हो। अच्छा। और नंबर तीन, जो तेरे सेम एज की हो, तेरे बराबर हो। अब तो बचा गया। मैंने तो अपने पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है, क्योंकि वो भरने पे फूट जाने वाला झंझट मुझे नहीं चाहिए।